हेलो फ्रेंड, मैं हूं रोहित, आपका दोस्त और आप सभी का होस्ट। फ्रेंड, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो आप में से ज़्यादातर लोग सांप का नाम ज़रूर लेंगे, क्योंकि सांप आपको दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं। चाहे हम समुद्र की बात करें, या फिर दुर्गम पहाड़ों की, या फिर हमारे घर के आसपास, सांप आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। लगभग 3000 से ज़्यादा सांपों की प्रजाति इस धरती पर रहती है, जिसमें से 80% से ज़्यादा इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ प्रजातियां हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 7 खतरनाक सांप की प्रजातियों के बारे में जानने वाले हैं, जिन्हें देखते ही आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। तो वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट करें, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको जल्दी मिल सके। नंबर 1, इनलैंड टाइपन। यह धरती पर रेंगने वाले सांपों में सबसे ज्यादा विषैला और सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको बता दे कि इस सांप का बस 100 मिलीग्राम जहर 100 वयस्क इंसानों को मारने के लिए काफी है। इसका जहर का अनुमान आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसका जहर रसल वाइपर से 10 गुना और कोबरा के जहर से 50 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन इतना विषैला होने के बावजूद भी इस सांप के काटने से मौत की दर बहुत कम है, क्योंकि यह स्वभाव से बहुत ही शर्मीला होता है और यह इंसानी बस्तियों से दूर रहना पसंद करता है। नंबर 2, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। यह सांप भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और इनलैंड टाइपन के ठीक विपरीत यह इंसानी इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में इसके काटने से मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। आपको बता दें कि इस सांप का 14,000वां हिस्सा भी किसी भी इंसान को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। ये सांप इतना जहरीला होता है कि इसके बच्चे पैदा होने के बाद से ही इतने जहरीले होते हैं कि सिर्फ एक बाइट से किसी भी इंसान को ख़त्म कर सकते हैं। ये सांप स्वभाव से बहुत ही फुर्तीला और गुस्सैला माना जाता है। एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके उसे काट कर ही दम लेता है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो इस सांप से बचकर जरूर रहिएगा। नंबर 3, सौ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं, और इनकी ज्यादातर प्रजातियां जहरीली भी होती हैं, लेकिन इनमें सबसे जहरीली प्रजाति सौ स्केल्ड वाइपर और चेन वाइपर भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। भारत में सांप के काटने से होने वाली मौतों का 40% से ज़्यादा का जिम्मेदार इस सांप को ही माना जाता है। यह सांप घात लगाकर शिकार करने में बहुत माहिर होते हैं, और इसी वजह से बारिश के दिनों में शिकार की खोज में यह इंसानी बस्तियों के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण इंसानों से इनके टकराव होता है, और उस वजह से इंसान भी इस सांप का शिकार बन जाते हैं। इस सांप के काटने के अगर आधे घंटे तक आपको अगर कोई मेडिकल उपचार ना मिला, तो आपका मरना बिल्कुल तय है। नंबर 4, डेथ एडर। यह सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाए जाते हैं। यह सांप घात लगाकर शिकार करने में बहुत ही माहिर होता है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह सांप दूसरे सांपों का शिकार कर उन्हें खाता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, और यह एक बार में अपने शिकार पर 100 मिलीग्राम से ज़्यादा जहर छोड़ता है, जिससे शिकार का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, और लगभग 30 मिनट के अंदर शिकार का सांस ना लेने के कारण उसकी मौत हो जाती है। हालांकि इंसानी बस्तियों से हमेशा दूर रहने वाला यह सांप इंसानों के लिए इतना खतरनाक नहीं है। नंबर 5, फिलिपिनी कोबरा। कोबरा सांप की अधिकांश प्रजातियां जहरीली मानी जाती हैं, पर फिलिपिनी कोबरा उन सब में सबसे ऊपर आता है। इसमें बहुत ही खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है, जो अगर इंसान में चला जाए, तो अगर 2 घंटे के अंदर कोई मेडिकल सुविधा ना मिले, तो इंसान की मौत पक्की है। यह सांप अपने कोबरा परिवार के हर सांप से बहुत अलग है, क्योंकि यह जरूरत पड़ने पर अपने शिकार के शरीर पर 3 मीटर की दूरी से भी जहर थूक सकता है, और यह एक बार में इतना जहर थूकता है
कि शरीर में जहर पहुंचकर उसे मारने के लिए काफी है। इसके जहर थूकने की इस शानदार विशेषता के कारण इसे स्पिटिंग कोबरा भी कहते हैं। ये स्वभाव में बहुत ही गुस्सैले होते हैं और ज्यादातर इंसानी बस्तियों के बीच में ही अपना शिकार करना पसंद करते हैं। इसलिए ज्यादातर किसानों और खेती करने वाले मजदूरों से ही इनकी झड़प होती है। इसके काटने के 10 में से 6 इंसान ज्यादातर सही एंटीडोट ना मिलने के कारण इनकी मौत हो जाती है। नंबर 6, ब्लैक मॉम्बा। ब्लैक मॉम्बा अफ्रीका में पाया जाता है और यह धरती पर सबसे तेज चलने वाले सांपों में से एक है, जिसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज होती है। यह अपने शिकार का पीछा करने में बहुत ही सक्षम है। खतरा महसूस होने पर यह 10 से 12 बार अपने शिकार को काटता है और लगभग 400 मिलीग्राम से ज्यादा अपना न्यूरोटॉक्सिक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। आपको बता दें कि कोबरा के बाद यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। अफ्रीका में इस सांप का दहशत इतना है कि किसी भी सांप के काटने पर सबसे पहले इसी सांप का एंटीडोट दिया जाता है। यह स्वभाव से बहुत ही ज्यादा गुस्सैला और फुर्तीला सांप है। हर साल अफ्रीका में जितने भी सांप के काटने से मौतें होती हैं, उनमें से 70% से ज्यादा इस सांप के ही काटने से मौतें होती हैं। नंबर 7, ब्लेचर सी स्नेक। यह साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको बता दे कि यह सांप पृथ्वी का सबसे जहरीला सांप है। इसकी जहर की मात्र कुछ मिलीग्राम की बूंदे ही 10 वयस्क इंसानों की जानें ले सकती हैं। लेकिन समुद्र में रहने के कारण इंसानों से इसकी झड़प बहुत कम होती है। ज्यादातर मछुआरे और समुद्र के किनारे रहने वाले लोग ही इसका शिकार बनते हैं। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि अगर इसने किसी भी इंसान को काट लिया तो वह कुछ ही मिनटों में मर जाएगा, और अब तक इस सांप का कोई भी एंटीडोट नहीं बना है। तो अगर ये सांप अगर कहीं आपको दिख जाए तो कृपया उस जगह से निकलने में ही आपकी भलाई है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और इससे पहले क्या आप इन सांपों के बारे में जानते थे? अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने फ्रेंड में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।